बस आज 5th डे है, मैं बहुत प्रे कर रही हूँ कि रशिया एंड यूक्रेन का जो लड़ाई है वो रुक जाए, बिकॉज बहुत सारे लोग जो है वो मुझे तकलीफ हो रही है ये कहने के लिए, बट एक ही बात मैं कहना चाह रही हूँ कि सब लोग प्रे करें ये वॉर बंद हो जाए। हाँ, वो लोग बेचारे सिर्फ नाटो की मेंबरशिप लेना चाह रहे थे यूक्रेन वाले, तो रशिया भड़क गई, तो रशिया भड़क गई कि तुम नाटो की मेंबरशिप क्यों लेना चाह रहे हो, क्योंकि अगर जो भी नाटो की मेंबरशिप लेता है तो वो स्ट्रांग हो जाती है कंट्री, क्योंकि नाटो जो है उनको सपोर्ट करती है, तो इसलिए रशिया भड़क गई कि इनके पास हम 30 कंट्रीज से भी ज़्यादा कंट्रीज हो जाएगी तो ये हम पे चढ़ाई कर देंगे, पर रशिया वालों बस करो, अभी बस करो, आप बहुत सारे अभी बस हो गया रशिया वालों, बस करो वरना मुझे आना पड़ेगा रशिया में, आई एम टेलिंग यू। खड़ी हो जाना बहन बॉर्डर पे, बॉर्डर पे खड़ी हो जाना। क्यों भाई, मार ले? नहीं मारे यार, डर के भाग जाएगी आर्मी। आर यू श्योर? बट इन सीरियस नोट, ये तो मजाक है, बट इन सीरियस नोट प्लीज प्रे फॉर रशिया, नो प्रे फॉर यूक्रेन। एक्चुअली रशिया तो वॉर कर रही है ना, वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग बन रही है। That's it. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. अभी मैं बोलूँ, मैं बोलूँ। बस आज 5th डे है, मैं बहुत प्रे कर रही हूँ कि रशिया एंड यूक्रेन का जो लड़ाई है वो रुक जाए, बिकॉज बहुत सारे लोग जो है वो मुझे तकलीफ हो रही है ये कहने के लिए, बट एक ही बात मैं कहना चाह रही हूँ कि सब लोग प्रे करें ये वॉर बंद हो जाए। हाँ, वो लोग बेचारे सिर्फ नाटो की मेंबरशिप लेना चाह रहे थे यूक्रेन वाले, तो रशिया भड़क गई, तो रशिया भड़क गई कि तुम नाटो की मेंबरशिप क्यों लेना चाह रहे हो, क्योंकि अगर जो भी नाटो की मेंबरशिप लेता है तो वो स्ट्रांग हो जाती है कंट्री, क्योंकि नाटो जो है उनको सपोर्ट करती है, तो इसलिए रशिया भड़क गई कि इनके पास हम 30 कंट्रीज से भी ज़्यादा कंट्रीज हो जाएगी तो ये हम पे चढ़ाई कर देंगे, पर रशिया वालों बस करो, अभी बस करो, आप बहुत सारे अभी बस हो गया रशिया वालों, बस करो वरना मुझे आना पड़ेगा रशिया में, आई एम टेलिंग यू। खड़ी हो जाना बहन बॉर्डर पे, बॉर्डर पे खड़ी हो जाना। क्यों भाई, मार ले? नहीं मारे यार, डर के भाग जाएगी आर्मी। आर यू श्योर? बट इन सीरियस नोट, ये तो मजाक है, बट इन सीरियस नोट प्लीज प्रे फॉर रशिया, नो प्रे फॉर यूक्रेन। एक्चुअली रशिया तो वॉर कर रही है ना, वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग बन रही है। मेरा एक सवाल है, आपने बोला था आपके एक्स हस्बैंड भी जाने वाले लॉकअप में, बट हमने लॉकअप में कल उनको नहीं देखा। उसको इतना पैसा ऑफर किया गया, बट वो कहते मैं अपना बिजनेस छोड़ के नहीं जाऊंगा, बोलते एक बार मैं पछताया हूँ बिग बॉस में जाके, वो मुझे कह रहा है बिग बॉस में जाके एक बार पछताया हूँ, तो उसको इतने ऑफर किए मेरी बैंड बजाने का। अरे मेरे एक्स हस्बैंड हो या मेरा टैक्स हस्बैंड हो या मेरा प्रेजेंट हस्बैंड हो या मेरा कोई भी हस्बैंड हो, कोई मेरी बैंड नहीं बजा सकता, मैं अपनी बैंड खुद ही बजा सकता हूँ। हाँ तो मेरी कौन बैंड बजाएगा भाई, कोई नहीं है। और क्या, मैं तो कहती हूँ आओ ना मैदान में मेरी बैंड बजाने के लिए, आई एम ऑलवेज रेडी। मैं तो सुन, क्या हुआ? देखो भाई, आपको लगता है मेरी बैंड बजा सकते? वो उसको खुद ही पता है, वो मेरी बैंड इतनी बजाएगा ना, मैं उसकी इतनी बैंड बजाऊंगी। हाँ, मैं तो लॉकअप खोल के घुस जाऊंगी अंदर, वो क्या मेरी बैंड बजाएगा। हाँ, और that's 7 11.